टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुंबई में बारिश ने 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कल यानी बुधवार को झमाझम तूफानी बारिश ने मुंबईकरों को झकझोर दिया था। कई वीडियो सामने आया जिसमें समुद्र का पानी लहरों के साथ घरों और दुकानों में घुसता हुआ नजर आया। सोमवार रात से जारी भारी बारिश की वजह से मुंबई में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। ये तस्वीर देखे, ईस्टर्न हाईवे पर अपनी गाड़ियां लोग छोड़कर घर चले गए थे। कई ऐसे भी तस्वीर सामने आए जो बिल्डिंग के शेड तक तूफानी बारिश ने उखाड़ दिए। आज भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, नवी मुंबई में आज भी सतर्क रहें, अलर्ट रहें, भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों को हाई अलर्ट किया है, तो आप सावधान रहें। हर साल बारिश के मौसम में यही नज़ारा होता है, कहीं गरीब का घर पानी से भर जाता है तो पेड़ कहीं गिर जाते हैं और गाड़ियां दब जाती हैं। कल की तूफानी बारिश से 112 पेड़ उखड़ गए थे और 6 घर ढह गए। जहां कभी पानी नहीं भरता था वे इलाके भी डूबे। गिरगांव, चौपाटी, कोलाबा और भाई खल्ला जैसे इलाके में बहुत कम पानी भरता था, लेकिन झमाझम तूफानी बारिश ने 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिश को देखते हुए और मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में NDRF की टीम, कुल 6 टीमों को तैनात की गई है, जो बाढ़ जैसे हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, बचाव कार्य करने का काम करेंगे। 16 टीमों में से 5 टीमें मुंबई में और 4 टीमें कोल्हापुर, 2 टीमें सांगली और 1-1 टीमें सतारा, ठाणे, पालघर, नागपुर और रायगढ़ में तैनात किया गया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।